हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहा है, या कौन है, कोई भी इंसान हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक है, प्लेटोनिक है, कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। और कौन है ये इंसान और क्यों आना चाह रहा है आपकी लाइफ में, क्या वजह है, क्या रीज़न हो सकती है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर पिकअप पायल करेंगे, आपने अपना इनिशियल यहाँ पर चूज़ करना है 1 और 2 में से, ठीक है। और मैं यहाँ पे टैरो से देखूंगी कि कौन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है और क्या होने वाला है नेक्स्ट, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। सो पिक का कार्ड है यहाँ पे, आप अपना इंट्यूटिवली आप पिक करेंगे अपना इनिशियल, ठीक है। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट में आपने अपना मुझे फीडबैक जरूर देना है। और ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को क्लेम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो जी। पायल नंबर 1, जिनके लेटर्स हैं ABHCGIMNOTUXNY, लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है और क्यों। हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ग्रुप नंबर 1, कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, हु इज कमिंग। 5 of Cups, चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, Four of Cups, Wheel of Fortune. Okay, मुझे यहाँ पे ना channel, I'm channeling the words him, H-I-M, him, तो मतलब him हो सकता है, ये masculine हो सकता है, जो भी इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे no आ रहा है, ठीक है, तो या तो आपने इस इंसान को no बोला है या इस इंसान को डर है कि आप no बोल दोगे। Not, hi, this person will say hi, मतलब मैं channel कर रही हूँ यहाँ पे messages। Boat, boat related है, तो हो सकता है ये इंसान क्रॉस द बॉडीज ऑफ द वाटर, मतलब कहीं दूर रहता है ये इंसान, डिस्टेंस है यहाँ पे, ट्रैवल इन्वॉल्व्ड है, या ये इंसान किसी पानी वाली जगह के करीब रहता है, लेट्स से ओशन है, लेक है, रिवर है, ऐसी जगह पे, या ओशन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस है ऑब्वियसली। कुछ लोगों के लिए आपका एक्स है, लेट्स सी ये इंसान आपको टैग करेगा या आपने टैग किया इस इंसान को, ये एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, टैग। सो लेट्स सी कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, हु इज कमिंग। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। ओके, ये वाला सॉन्ग मेरे दिमाग में आया, मतलब आई चैनल दिस सॉन्ग। तो ये इंसान, मतलब एक ऐसे, ये इंसान को समझ नहीं आ रही है आपके बगैर कैसे रहें, तो हो सकता है ये इंसान काफ़ी अरसे से लग रहा है कि आपसे, आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हो उनसे बात करने में। कैट हो सकता है, कैट स्पिरिट आपके पास, कैट है, कैट, ये इंसान आपको कैट के तौर पे देखते हैं, मतलब कैट स्पिरिट, मतलब इस इंसान को लगता है आप काफ़ी प्लेफुल हो, इंट्यूटिव हो, आप काफ़ी बबली हो, आप काफ़ी स्मार्ट हो, आप काफ़ी नॉटी हो, मतलब आप इस इंसान को नो बोल दोगे और इस इंसान का दिल टूट जाएगा, मतलब यू आर वेरी प्लेफुल। ओके, अब यहाँ पे कार्ड जो है उसमें डेफिनेटली इस इंसान की एनर्जी नजर आ रही है, कैंसर, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, लियो, टॉरस। ये इंसान हॉर्स ईयर, चाइनीज हॉर्स ईयर में पैदा हुआ होगा, ये आपके लिए साइन है, कंफर्मेशन होगा, उसमें इस इंसान के बर्थ ईयर होंगे। आप में से कुछ लोग, आप हीलर हैं, साइकिक हैं, टैरो रीडर हैं, आप विचेस हैं, लाइट वर्कर हैं, या आप स्टडी वैसे बहुत करते हो, आप एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हो, मे बी यू आर वेरी स्मार्ट, बुक स्मार्ट, ठीक है, या आपकी एजुकेशन इस इंसान से ज़्यादा है और उनको लगता है कि आप, या आपकी नॉलेज या विजडम इस इंसान से ज़्यादा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस इंसान को लगता है कि आप इस इंसान की तरफ बिल्कुल भी देखोगे भी नहीं, मतलब आप इस इंसान की तरफ एक्सेप्ट ही नहीं करोगे इस इंसान की ऑफर को, लेकिन फिर भी
ये इंसान बेचारा, बेचारा ही कह सकती हूँ या बेचारी, जो भी है, लड़की है लड़का, चाह के भी आपको अपने दिमाग से, अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे। मतलब वो मजबूर हैं अपने दिल को, दिल के हाथों के आपसे बात करनी ही करनी है, आपको बताना ही बताना है, आपसे कम्युनिकेशन करना ही करना है। और लकी थिंग यहाँ पे ये है कि आप इस इंसान को लगता है कि आप रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे, आप जवाब ही नहीं दोगे, आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे, आप उनकी ऑफर को ठुकरा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लक विल बी इन दिस पर्सन फेवर। मतलब आपको हो सकता है इसी इंसान का इंतजार है, या आपकी लाइफ में वैसे कुछ बोरियत चल रही है और आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान आना चाहिए जिसके साथ आप फन कर सको, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जा सको, जिसके साथ जो इक्वली एफर्ट पुट करे, और ये इंसान वाकई सीरियस है, जेन्युइनली इस रिलेशनशिप में आपके लिए एफर्ट पुट करना चाहता है, ये जो भी इंसान है जेन्युइनली, और आपको इस इंसान की जेन्युइन ऑफर का पता ही चल जाएगा जैसे ही वो आपसे बात करेंगे या कॉन्टैक्ट करेंगे या ऑफर करेंगे, या जैसे ही ये इंसान आपसे मिलेगा। हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे मिलने का बोलेगा, और जैसे ही इंसान आपसे मिलेगा, आपको एग्जैक्टली इस पर्सन की आईज में, इस इंसान की एनर्जी में, और जिस तरीके से इंसान आपसे बात करेगा, ट्रीट करेगा, आपको पता चल जाएगा दे आर सीरियस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए आप शुरू में एटीट्यूड दिखाओगे इस इंसान को, या आप बोलोगे मैं बिजी हूं, या आपने पहले इस इंसान को बोला था आई एम बिजी, या आपने अपनी टर्न कर दी थी बैक इस इंसान पे, तो इस इंसान को लगता है यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा नहीं है, इस इंसान को ये भी लग रहा है कि आप में एटीट्यूड बहुत है, आप एटीट्यूड दिखाओगी, या आप नखरे करोगी, या नखरे कर रही हो, या करोगे, लड़का हो अगर आप लड़के हो तो, या लड़की हो, जो भी हो, ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे ये जो भी इंसान आ रहा है विद द फाइव ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स, एक तो चीज़ ये है कि ये इंसान चाह के भी आपको नहीं भूल पा रहा है, और एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में बोरियत है, इस इंसान की लाइफ में नहीं, आपकी लाइफ में बोरियत है। यू आर फीलिंग लोनली, यू आर फीलिंग डाउन, यू आर फीलिंग, आपको डाउन फील हो रहा है, लोनली फील हो रहा है, आपको लगता है आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, एक गड़ा है जो घत्ता जा रहा है अंदर, और कभी आप किसी ऐसे इंसान को नहीं मिल पाओगे जो आपको, आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा, या आपसे लव करेगा, या आपको कभी आपके बारे में सोचेगा भी सही, या आपकी तरफ आएगा भी सही। तो गुड न्यूज़ इज आप डेफिनेटली इस इंसान को नहीं आता हुआ देख रहे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत डाउन है, आपकी एनर्जी बहुत डाउन है, जिस पे आपको वर्क करने की जरूरत है, अपनी एनर्जी पे वर्क करने की जरूरत है, अपने ऑरा पे वर्क करने की जरूरत है, अपने आप को पॉजिटिव रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप इस डाउन एनर्जी में होंगे तो ऑब्वियसली आप डाउन लोगों को, या आपसे जो लो मेंटेलिटी में या लो वाइब्रेशन एनर्जी में, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, और वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में परमानेंट तो खड़े होंगे नहीं। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को मिलेंगे तो आप इस एनर्जी में होंगे, जब आप लोनली फील कर रहे हैं या नीडी फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली जिस तरह की आपकी एनर्जी होगी आपको वैसा ही फील होगा, वैसा ही आउटकम नजर आएगा, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को आप पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव चीज़ों में जो है वो फोकस करें, अपने वर्क में, अपने एजुकेशन में, अपने आप को हील करने में, मैनिफेस्ट करने में, लिखने में, जर्नल राइट करने में कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए। एग्जैक्टली उसी तरह से फिर आप देखिएगा कि आपके हालात किस तरह से चेंज होना शुरू हो जाएंगे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि आपका टाइम चेंज होने वाला है, और ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी अरसे से किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और फाइनली अब आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। और अगर आपने ऑलरेडी अपने ऊपर इतना वर्क कर लिया, इतनी एफर्ट कर लिया, और आपको लगता है अभी भी कोई नहीं आया, कोई नहीं आ रहा, आपको काफ़ी इमोशनली आप डाउन फील कर रहे हैं, तो अब आपका डेफिनेटली गुड टाइम इज कमिंग विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टाइम बदलने वाला है, क्योंकि इस इंसान की ऑफर से, इस इंसान के एक मैसेज से, एक इस इंसान की कॉल से, एक इंसान के बात करने से आपकी लाइफ में सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हो सकता है आपको इसी इंसान के ही मैसेज का वेट है, इसी इंसान की कॉल का वेट है, और इसी इंसान का आप एक्शन देखना चाहते हो कि वो आपके लिए क्या एफर्ट करना चाहते हैं, और फाइनली ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करेगा। एक और चीज़ भी नजर आ रही है कि ये वो इंसान है जिसकी तरफ आपने अपनी टर्न कर दी बैक। लेट से आपने बातचीत बंद कर दी, कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया, ये काफ़ी अरसे की बात हो सकती है, मतलब लेट से हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, या इवन कुछ लोगों के लिए साल भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, जिससे आप दोनों के दरमियान में बात नहीं हुई, और अब आप दोनों के दरमियान में फिर से एक एक जैसे कहते हैं एक्साइटमेंट स्टार्ट होने वाली है, बात स्टार्ट होने वाली है, चिट चैट, कॉन्टैक्ट, फ्लर्टी एनर्जी, ये स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेटली पहले तो अपनी एनर्जी पे फोकस करने की जरूरत है, जो काफ़ी डाउन है। ऑब्वियसली इस एनर्जी में कभी भी आपकी लाइफ लक आपका साथ नहीं दे सकती, लेकिन आपको अपने आप को डेफिनेटली अपने अंदर भी एफर्ट पुट करनी है, अपने आप पे, अपनी अपेयरेंस पे, अपने स्टाइल पे, अपने लिविंग स्टाइल पे, लोगों से बात करने के, कम्युनिकेशन स्टाइल के भी, अपने आप को आप शो करेंगे, बाहर जाएंगे, एफर्ट करेंगे, तो आपको कोई ना कोई आपको देखेगा, आपसे मिलेगा, आपसे बात करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, या जो लोग आपकी तरफ एफर्ट कर रहे हैं उनमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ये भी हो सकता है, जो आपको मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है वही इंसान ही
इतनी बार बार, एक सोचें कौन सा ऐसा इंसान है जो बार बार आपकी लाइफ में ट्राई कर रहा है कम्युनिकेशन करने की, बात करने की, आपके पास आने की, क्लोज आने की, और आप उसको रिजेक्ट किए जा रहे हो। सोचें ज़रा कौन है वो इंसान, क्योंकि ये इंसान दोबारा ट्राई करेगा। यह हो सकता है ये इंसान बार बार आपके सामने आने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, या करेगा इन द फ्यूचर। तो आप समझ जाइएगा दिस पर्सन इज़ रियली इंटरेस्टेड इन यू। मुझे लगता है ये इंसान आपसे मिलने की कोशिश करेगा, एक प्रॉपर प्लान है इस इंसान के दिमाग में कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को खुल के आपसे बताना चाहते हैं। इवन ट्रैवल भी है विद अ चैरियट और एट ऑफ वांड्स, इवन इंसान ट्रैवल करके आपके पास आएगा, तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि कितनी एफर्ट ये इंसान आपके लिए करना चाहता है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा अगर ये इंसान दूर भी रहता है, आउट ऑफ सिटी, इवन आउट ऑफ कंट्री भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, वाई इट्स नॉट पॉसिबल। तो या आउट ऑफ सिटी, या ये इंसान आपके पास आएगा जहाँ पे आप रहते हो, ये इंसान एफर्ट करके आपके पास आएगा। एक और चीज़ आपको पता चलेगी, इस टाइम पीरियड में जब आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, ये इंसान इतनी मेहनत कर रहा था कि इस इंसान के पास इतनी सेविंग हो या पैसा हो, या वो इतने स्टेबल हो सकें कि आपके पास आएं, आपकी तरफ ट्रैवल कर सकें, मिलें आपसे, बात कर सकें, और आपको एक एक्सपेंसिव डेट पे, एक जगह पे लेके जाएं। शायद ये इंसान आपके साथ किसी वेकेशन या ट्रिप पे भी प्लानिंग करेगा, ये प्लान भी हो सकता है इस इंसान का कि आपको किसी जगह पे लेके जाना चाहते हैं, एक वेकेशन, एक ट्रिप पर प्लान पे, मतलब आप दोनों वहाँ पे रहेंगे और इट्स गोना बी वेरी लाइट हार्टेड, मतलब आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे इस इंसान के साथ, काफ़ी रोमांस भी होगा, पैशन भी होगा, आप एक दूसरे को जानने की कोशिश भी करोगे, आपको इस इंसान की पूरी ट्रू पर्सनैलिटी नज़र आएगी कि ये वो किस तरह का इंसान है, और उसके बाद आपका ओपिनियन इस इंसान को कम्प्लीटली लेके चेंज हो जाएगा। ये हो सकता है ये इंसान आपसे एज में छोटा हो, या आप इस इंसान की ऑफर को अंडर एस्टिमेट करोगे, आपको लगेगा ये क्या कर लेगा मेरे लिए, ये क्या कर लेगी मेरे लिए, ये इतनी सीरियस नहीं है, ये तो यू, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको लगेगा ओ बोरिंग समथिंग। लेकिन आपको इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बात करनी चाहिए, और क्योंकि इस इंसान का एक प्रॉपर प्लान है, अगर आप उस इंसान के प्रॉपर प्लान को फॉलो करोगे तो आपको एग्जैक्टली इस इंसान की टोटली आपको इस इंसान के साथ जो टाइम आप स्पेंड करोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि यही आपका सोलमेट है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो द टाइम इज चेंजिंग, टाइम इज चेंजिंग, आपकी लक चेंज हो सकती है, आपकी किस्मत बदल सकती है अगर आप इस इंसान को मौका दोगे, चांस दोगे। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको अपोलोजाइज करने आए, कोई चीज़, किसी चीज़ की माफ़ी मांगने आए कि उस वक्त मैं रेडी नहीं था, उस वक्त मेरा फोकस नहीं था, या उस वक्त मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं थी, मैंने आपकी कदर नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, लड़की या लड़का जो भी था। और अब ये इंसान अगर आ रहा है तो आप उस इंसान को देखोगे कि क्या वाकई वो इंसान की एफर्ट चेंज हो गई है, वो खुद चेंज हो गया है, कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। ठीक है, ओके, कब तक होगा ये मैंने आपसे पहले बोला है, विद इन 8 to 8 days, वीक्स। और कुछ लोगों के लिए मंथ ऑफ अगस्त का जो महीना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई एंड अगस्त का महीना, या आप प्रॉपरली जुलाई एंड अगस्त के महीने में इस इंसान को मिलेंगे, या आपकी मीटिंग का टाइम है, या आपकी मुलाकात होगी, या आप इनको के साथ ट्रैवल पे जाएंगे, या आपका प्लान होगा कि हम यहाँ पे जाएंगे, लेकिन बात पहले होगी, विद इन 8 days, 10 days या नेक्स्ट 1 month तक। ठीक है, ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, अगर मैं ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इनको ऑलरेडी आप मिल चुके हैं और इनको जानते हैं, ये दोबारा इंसान ट्राई करेगा, और आपकी मीटिंग इस इंसान के साथ, फिजिकल मीटिंग या प्रॉपर मीटिंग इस तरह से होगी, या ये इंसान आपको बोलेगा इस मंथ में मैं आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा हूँ, या आई वांट टू ट्रैवल, आई वांट टू सी यू, मतलब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, लड़की लड़का, तो आपकी प्रॉपर मुलाकात होगी इस इंसान से। और जो लोग अभी नहीं मिले हैं इस इंसान को, आप सिंगल हैं टोटली, आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, योर लाइफ विल चेंज, बट उससे पहले आपको अपनी लाइफ में अपने ऊपर पहले फोकस करना है। इस डाउन एनर्जी में कोई आपकी तरफ नहीं आएगा, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जो आपकी तरफ आ ही नहीं रहा, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन एनर्जी पे, उन लोगों पे जहाँ पे वन साइडेड लव है या अनरिक्वाइटेड लव है, और आपको पता है यू कांट बी विद दैट पर्सन, क्योंकि वो इंसान एफर्ट नहीं कर रहा। रिलेशनशिप वही वर्क करता है जहाँ पे दोनों साइड से एफर्ट्स हो। तो मे बी यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू, हो सकता है आप किसी और को मिलें। ठीक है, एक और चीज़ मुझे नजर आ रही है, कुछ लोगों के लिए आपको वर्क से रिलेटेड ऑफर मिलेगी जो आपकी लक को चेंज कर देगी। शायद आप कहीं इन्वाइटेड भी हों किसी इवेंट पे, या आप ट्रैवल करेंगे वर्क से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या आपकी शिफ्ट कहीं लग जाएगी, लेट से आपका प्रमोशन कहीं और हो जाता है किसी और सिटी में, किसी और जगह पे। अगर आप में से कुछ लोग ट्रैवल करके कहीं एग्जाम टेस्ट भी देने जाएंगे, या जॉब इंटरव्यू भी आपका हो सकता है, आपको ऐसा लगता है नहीं चांस ही नहीं है, नो,
आपने इस चांस को गंवाना नहीं है, गो फॉर इट. हो सकता है आपकी लक आपकी साइड पे हो, फेवर में हो और आपकी लक की तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए. इट्स गोइंग टू बी अ बिग मूव. आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा डिटर्मिनेशन के साथ. या आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हो जिसमें आपको अपनी मेहनत दिखानी है, उस क्राफ्ट को, उस वर्क को सीखना है जो आपको बाद में फ्यूचर में जाके बहुत बेनिफिट देगा, फायदा देगा, फाइनेंशियली भी और वैसे भी आप एक्साइटेड हो गए. प्रिविलेज लेडी, यस आपको प्रिविलेज मिल सकता है, आप सिलेक्टेड हो सकते हो. शायद आपके पास जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, शायद किसी और के पास ना हो. डिस्टेंस हॉराइजन, यस ट्रैवल इन्वॉल्व है यहाँ पे. आप में से कुछ लोग, आप शायद ये आउट ऑफ कंट्री भी है, आउट ऑफ सिटी भी है जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो. हु नोज कि आप सिलेक्ट हो जाओ. अपनी चांस को, अपने लक को, लक पे चांस लेना चाहिए. यू नेवर नो. चाइल्ड, हो सकता है ये इंसान आपसे एज में छोटा हो. दिस पर्सन इज यंगर देन यू. चाइल्ड यहाँ पे न्यू बिगनिंग की भी बात करता है, ठीक है. तो आपकी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है. एक न्यू शुरुआत, एक न्यू चैप्टर. सैजिटेरियस हो सकता है ये इंसान, डेफिनेटली कहीं ना कहीं सैजिटेरियस या स्कॉर्पियो. ये इंसान आपसे एज में छोटा होगा. या ये हो सकता है कि ये इंसान, आप इस इंसान को अंडर एस्टिमेट करो. नो दिस इज टू यंग. आपको लगेगा कि नहीं ये मुझसे बहुत छोटा है, टू यंग, या मुझसे बहुत छोटी है लड़की. ऐसा नहीं है, दे आर अडल्ट और उनको पता है कि क्या करें, लेकिन उनका लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है. या हो सकता है हालात ने उनको वक्त से पहले ही समझदार कर दिया, वाइज कर दिया. लेकिन यहाँ पे कोई प्रिविलेज है जो आपके पास प्रिविलेज है, उस इंसान के पास नहीं है. क्योंकि उनको जिस तरह का पार्टनर चाहिए वो आप हो, और ये चीज़ डेफिनेटली इंसान आपके लिए करके रहेगा. डिस्टेंस हॉराइजन, या तो आप ट्रैवल करके जाओगे या वो, या आप में से कुछ लोगों के लिए आपका न्यू चैप्टर, आपकी न्यू बिगनिंग जो लाइफ में स्टार्ट होने वाली है वो ट्रैवल से स्टार्ट होगी. यस, बिग चेंज इज कमिंग. ओल्ड चैप्टर आपको खत्म करना पड़ेगा. ओल्ड चैप्टर, क्लोज द चैप्टर फ्रॉम द पास्ट, फिर आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होगा. और ये कुछ लोगों के लिए ये चेंजेस आपको अपने अंदर लानी है. जो आप नहीं कर रहे तो उसके बाद आप हा हा करते ही रहेंगे कमेंट्स में, और इसी तरह से बड़बड़ करते रहेंगे कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा. You're not going after your dreams. Your life is boring. Get excited, do something. कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करें कि आपको ये एक्साइटमेंट, चाइल्ड लाइक वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आए. किसी चीज़ को लेकर आप एक्साइटेड हों, किसी चीज़ को आप लर्न करें, किसी चीज़ को आप शुरुआत करें. न्यू चैप्टर, न्यू जगह, न्यू प्लेस, कोई ऐसी कुछ भी ऐसा नया स्टार्ट करें जिसमें आपको एक्साइटमेंट हो. और ये एक्साइटमेंट आपको आगे तक लेके जाएगी, और तब आपकी लाइफ में इतना सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा कि कोई आ रहा है क्योंकि नहीं आ रहा. क्योंकि जब वो इंसान आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा. इट्स अ बिग चेंज, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन. आपको डेफिनेटली अपना क्लोज चैप्टर करना पड़ेगा पास्ट का, हील करना पड़ेगा. ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा क्लोज चैप्टर कर रहे हैं पास्ट को. इवन आपको इस इंसान के पास मूव करना पड़ेगा, या वो आपकी तरफ मूव करके आएंगे. इट्स अ परमानेंट चेंज, मे बी ये भी हो सकता है. सो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. हेलो ग्रुप नंबर टू, अगर आपके लेटर्स हैं डी जे पी आर ई के क्यू S F L V W Z, तो ये आपकी रीडिंग है. देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज कमिंग एंड वाई. कोई भी हो सकता है. अच्छा, एक चीज़ आ रही है, या तो आप डीजे हैं या आप कहीं इन्वाइटेड होंगे. एल वी लुइस विथन, सो ये कुछ भी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मैं यहाँ पे चैनल कर रही हूँ चीज़ों को. साउथ एंड वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट, शायद आप अपोजिट हैं. साउथ एंड वेस्ट और ईस्ट एंड वेस्ट, इस तरह की एनर्जी आ रही है. ईस्ट एंड वेस्ट, एक बंदा ईस्ट में है, दूसरा बंदा वेस्ट से है. या साउथ एंड वेस्ट, ये हो सकता है. रुपीस, पीआर, जापान, फ्लाई, डेफ. ओके, लेट्स सी. क्योंकि ये वाले जो वर्ड्स हैं वो मेरे दिमाग में आ रहे थे, आई इंट्यूटिवली पिक इट अप. सो लेट्स सी हु इज कमिंग टू वर्ड्स. कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है? ओके, श्रीलंका. आई एम चैनलिंग श्रीलंका, कुआलालंपुर. दिल्ली, दिल्ली, अगर आप इंडिया से हैं तो दिल्ली. लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू.
एस ऑफ सोर्ड्स. टेन ऑफ वांड्स. नाइन ऑफ पेंटिकल्स. किंग ऑफ सोर्ड्स. एयर साइन, ये इंसान के बर्थ चार्ट में एयर साइन बहुत ज़्यादा है. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. क्रो है यहाँ पे, आपको बहुत ज़्यादा क्रोज और अच्छा आपको बर्ड्स या कोई चीज़ ऐसी नज़र आएगी, ठीक है, एनिमल्स या बर्ड्स आपको नज़र आएंगे लेकिन ब्लैक कलर में. सो दिस इज अ साइन कि ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है या दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून. क्रो, समथिंग अबाउट क्रो. आप या तो कवे जिसे बोलते हैं, गाएं गाएं, क्रो, आप वो बहुत ज़्यादा सुनोगे. नॉइस, नॉइस, बर्ड्स, नॉइस. तो ये इंसान इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉइज है, इस इंसान के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नॉइज है, ये जो भी होगा, ठीक है. इस इंसान की लाइफ में लोग इस इंसान को अपने तरीके से ओपिनियन देने की कोशिश कर रहे हैं, या इस इंसान को लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे इट्स गोना बी नॉइज. सब कुछ, हर कोई काएं काएं करना शुरू कर देगा, हर तरफ से टेंशन ही टेंशन होगी, हर तरफ से लोग बात करना शुरू कर देंगे, गॉसिप्स करेंगे, चिट चैट करेंगे, र्यूमर्स फैलाएंगे या टेंशन देंगे आपको भी और इस इंसान को भी. लेकिन इस वक्त फिलहाल इस इंसान के दिमाग में यही चल रहा है कि इट्स डिस्टर्बिंग. इस इंसान के दिमाग में बहुत शोर चल रहा है, मतलब ये जो भी इंसान है काफी कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग कनेक्शन है इस इंसान के साथ आपका, या होगा, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये इंसान सोचता बहुत है, ओवरथिंक बहुत करता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं. यहां पे भी कंफ्यूजन आ रहा है विद द टू ऑफ सोर्ड्स, मतलब बहुत कंफ्यूजन रहेगा इस इंसान को, या आपको समझ नहीं आएगी कि ये इंसान क्या चाहता है. ओके, एक और चीज मुझे नजर आ रही है, यहाँ पे टेन ऑफ वांड्स है और यहाँ पे भी आपको माउंटेन नजर आ रहा है. तो डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन बहुत चैलेंजिंग रहा है. जब भी आप इस इंसान के साथ थे या बात करना चाहते थे आपको कभी कोई रिस्पांस नहीं मिला, बल्कि ज्यादा कंफ्यूजन ही मिला है. इस इंसान ने आपको हेडेक दी है, मतलब लेट से सर में दर्द हो गया ये लड़की या लड़का, सोच सोच के आपके दिमाग में कि ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है, क्या सोचता है. हो सकता है इस इंसान ने कभी आपको सच ही नहीं बताया, क्योंकि ये इंसान बहुत डीप थिंकर है, बहुत बहुत डीप थिंकर और ओवर थिंकर है ये इंसान. ये जो भी है, इट्स अ एयर साइन, डेफिनेटली एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. मतलब सब जब सोचता है इंसान तो क्रिटिकल हो जाता है, एनालिटिकल, इतना क्रिटिकल कि उस इंसान को लगता है दिस इज नॉट पॉसिबल, कि नेगेटिविटी की हद तक ये इंसान चला जाता है सोचने के लिए कि ये चीज़ हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है. सो दिस पर्सन इज मोर नेगेटिव थिंकर. मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर नेगेटिव थिंकर हैं, इनके दिमाग में नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, या शोर, या लोगों के बारे में नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, लोगों के बारे में ओपिनियन नेगेटिव है इस इंसान के दिमाग में, या इस इंसान, जब आप इस इंसान को मिले थे तब इस इंसान के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द टेन ऑफ वांड्स आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं. यू पैक योर बैग्स एंड यू सेड गुड बाय. तो ये वो इंसान है जिसको आपने ऑलरेडी गुड बाय बोल दिया कि खत्म, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है. या ये इंसान आपको बिना बताए, कुछ भी कहे बगैर, बिना बताए आपकी लाइफ में इतना शोर छोड़ गया, इतना ही टेंशन छोड़ गया कि आपको समझ नहीं आ रही कि ये इंसान क्या चाहता है, क्या कुछ था भी सही कभी हमारे दरमियान में या नहीं, या कभी इस इंसान ने कुछ फील भी किया या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है इस इंसान ने कभी आपको बताया नहीं. दे वर वेरी कोल्ड एंड डिटैच. इस इंसान को इस वक्त ये भी लग रहा है कि ये वन साइडेड है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको ये लग रहा है, उनको ये लग रहा है. तो यहाँ पे आप दोनों के ही दिमाग में जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है एक दूसरे को लेके. नाइन ऑफ पेंटिकल्स. लेकिन ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे है पिजन, वाइट बर्ड और ये ब्लैक बर्ड. तो आप ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपकी दिमाग में ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, आप पॉजिटिव थिंकर हो. लेकिन इस इंसान के साथ रहने से, आप जब इस इंसान के बारे में सोचते हो या जब आप इस इंसान को मिलोगे इन द फ्यूचर, लेट मी टेल यू, इस इंसान की ये दिमाग, क्योंकि इस इंसान की वजह से आपके दिमाग में भी नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी, कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगी, या हो चुकी थी, क्योंकि जिसकी वजह से आपने कहा गुड बाय विद द टेन ऑफ वांड्स कि मुझसे ये चीज़ें नहीं होंगी. विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपने अपने आप को फ्री कर दिया इस इंसान से, आपने बोला मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए या आपको करना चाहिए. ये इंसान टॉरस हो सकता है या आप टॉरस हैं,
कैप्रिकॉन हो सकते हैं आप, वर्गो हो सकते हैं, और ये इंसान एयर साइन हो सकता है। यहाँ पे अर्थ और एयर साइन है। एक और चीज नजर आ रही है कि ये इंसान इतना ओवरथिंक करता है या कर चुका है कि इस इंसान के बाल वाइट होना शुरू हो गए हैं। ये भी आपके लिए एक साइन होगा कि ये वो इंसान है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है। यस, इस कनेक्शन में कभी कुछ हुआ नहीं विद द टू ऑफ पेंटिकल्स। ये हमेशा इम्बैलेंस कनेक्शन रहा। ये भी हो सकता है कि ये इंसान हमेशा आपको किसी और के साथ जगल करता रहा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि इस इंसान का फोकस अपनी इंडिपेंडेंस पे रहा होगा या अपने फ्यूचर पे, अपने कैरियर पे। और आपके साथ जो कनेक्शन था, इस इंसान को कभी समझ ही नहीं आया कि ये क्या है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल या एनालिटिकल फैक्ट्स वाला पर्सन, तो उस इंसान को ये चीज़ें तो समझ नहीं आएंगी, लव क्या होता है, सोलमेट क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है या लवर्स क्या है। क्योंकि हो सकता है आप इस इंसान को इस इंसान की एज इस वक्त 20 या 29 हो सकती है, 20 से 30 के दरमियान में, स्पेशली 29, 39, 20, 22, क्वीन ऑफ वांड्स। इस इंसान को लगता है यू आर वेरी अट्रैक्टिव, आप डेफिनेटली इस इंसान की तरफ बहुत अट्रैक्टिव हैं। इस इंसान की नज़र में आप बहुत अट्रैक्टिव हो, अगर आप लड़की हो तो वेरी अट्रैक्टिव, वेरी बबली, आप काफ़ी पैशनेट हो, आप एडवेंचरस हो, आप ओपन माइंडेड हो, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, यू हैव अ कैट स्पिरिट, आप या अनदर ब्लैक कैट, ब्लैक, लॉट ऑफ ब्लैक। इस इंसान को ये भी लग रहा है कि आप खुश हो उनके बगैर, मतलब आपको परवाह नहीं है उनकी, ये वो इंसान है। क्योंकि इस इंसान को लगता है, एक तो ये आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये इंसान को लग रहा है कि आप उनके बगैर खुश हो, हालांकि आप ये कह रहे हो कि आप उनसे आप उनको लाइक करते हो, पसंद करते हो, लेकिन आपकी बातें मैच नहीं हो रही, तो इसलिए ये इंसान कंफ्यूज है आपकी रिलेशनशिप को लेके या फ्रेंडशिप को लेके या आपकी इंटेंशंस को लेके कि आपके दिमाग में क्या है, आप जो कह रहे हो आप वो नहीं हो, या हो सकता है ये आप हो। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा या था, क्योंकि कुछ लोगों के लिए था, इस इंसान के आपके दरमियान में कभी कोई रिलेशनशिप चला नहीं, क्योंकि इस इंसान को आपको समझ नहीं है इस इंसान की कभी कि ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है, क्योंकि इस इंसान जो ये कहता था इंसान वैसा होता नहीं था, टोटली अपोजिट, जो ये इंसान फील करता था आपके लिए वो कभी बोला ही नहीं इंसान। लेकिन इस वक्त इस इंसान की एनर्जी ये है, जो भी एयर साइन है आपके बारे में ये सोच रहा है, या फायर साइन हो सकता है, या टॉरस है स्पेशली इस इंसान के बर्थ चार्ट में, कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है यू आर फाइन, आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, आप बिजी हो गए हो, आप मूव ऑन कर गए हो, या आप जो कह रहे हो वैसा है नहीं। ये लिब्रा भी हो सकता है इंसान। इस इंसान को बहुत टेंशन है, इस इंसान को आपकी समझ नहीं आ रही, लेकिन ये इंसान आपसे बात करना चाहता है विद द एस ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान को सच भी जानना है आपसे कि आप उनके बारे में क्या फील करते हो, तब वो आपको अपना सच बताएंगे। इस तरह की एनर्जी आ रही है इस इंसान की। और अगर आप बिल्कुल टोटली सिंगल हैं अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, तो दिस पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ। आप हो सकता है इस वक्त किसी सिचुएशनशिप को लेट गो कर रहे हो, ठीक है, या इस वक्त आपका माइंड कहीं बिल्कुल अपने ऊपर है, या आप फोकस अपने ऊपर करना चाहते हो, ऐसा कोई एनर्जी है नहीं आपका कि, लेकिन आप इस इंसान से बहुत जल्द मिलने वाले हो, विद इन 1 वीक और मंथ या वेरी सून आपकी लाइफ में ये इंसान आएगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, इट विल बी कन्फ्यूजन। और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए आप जानते हैं इस इंसान को, ठीक है, इस इंसान ने ऑलरेडी आपकी लाइफ को कन्फ्यूज़ कर दिया, तो आपको कुछ आइडिया नहीं इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, बट यू आर ऑल्सो एट द सेम टाइम आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पे, अपनी क्रिएटिविटी पे, तो इस इंसान को ये लगता है कि यू डोंट केयर, आप उस इंसान की तरफ आ ही नहीं रहे हो, आप चेज ही नहीं कर रहे हो, आप उनके पीछे भाग ही नहीं रहे हो, पागल ही नहीं हो रहे हो उसके पीछे, तो ये कैसा लव है, तो इस इंसान को ये लग रहा है। लेट्स सी, 3 of Cups एंड 7 of Swords, यस 3 of Cups। तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में डाला है विद द 7 of Swords एंड 3 of Cups, ठीक है, इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में डाल दिया है, और या हो सकता है ये इंसान आपके और इस इंसान के दरमियान में म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, और ये जिस तरीके से इंसान आपको देखता है, आपसे बात करता है, तो आपको लगता है कि ये इंसान वाकई आप इंटरेस्टेड है। कुछ लोगों के लिए आप पहले फ्रेंड्स बनेंगे, ये इंसान आपका पहले फ्रेंड बनने की कोशिश करेगा, ताकि देखने के लिए कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं, आप किस तरह के पर्सन हो, या आपका प्लान क्या है फ्यूचर को लेके, क्योंकि इस इंसान को डेफिनेटली हर चीज़ जाननी है। लेकिन एक और चीज़ भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि ये इंसान आपके प्लान जानना चाहता है, अपना कोई प्लान नहीं बताना चाहता, दे कीपिंग इट सीक्रेट। एक और चीज़ नजर आ रही है कि ये इंसान अपने या तो किसी फ्रेंड की हेल्प लेगा सीक्रेटली, या किसी फ्रेंड के अकाउंट से आपकी तरफ आएगा, अप्रोच करेगा,
ठीक है, देखने के लिए कि क्या आप किसी और को रिस्पॉन्स करते हो, क्या आप किसी और में इंटरेस्टेड हो। ये इंसान आप पे डेफिनेटली नज़र रखे हुए हैं, और इवन इस इंसान ने अपने फ्रेंड्स को भी बताया, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, कि आप पे नज़र रखें। कुछ इस तरह की एनर्जी है, मतलब दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज, कॉशियस, मतलब इस इंसान को हर चीज़ जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि आपकी इंटेंशन क्या है, व्हाट डू यू वांट। क्या आप वाकई सीरियस हो इस इंसान को लेके, या बस जस्ट ऐसे ही, क्योंकि इस इंसान को लगता है यू आर वेरी अट्रैक्टिव, आपकी लाइफ में कोई ना कोई और है, ये सिर्फ अकेले इंसान नहीं है, इनको ये लगता है। तो क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा, ये इंसान नेगेटिव थिंकर है और नेगेटिव थिंकिंग है, और ये इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में इनके फ्रेंड्स की वजह से आ सकता है, ये कम्युनिटी, या जिस तरह का ये बैकग्राउंड, या जिस तरह का इनका माहौल रहा है, क्योंकि ये दे हैव बीन वेरी कोल्ड विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स इज वेरी कोल्ड पर्सन, तो वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। जाके आप डायरेक्टली किसी को ये नहीं कह सकते आई लाइक यू, आई लव यू, क्योंकि ये इंसान कभी बोलेगा नहीं, ना रिस्पॉन्स देगा, ये इंसान ओवरथिंक करेगा, अगर किसी को लाइक भी करेगा तो समझ नहीं आएगी, बोले या ना बोले, इवन ये इंसान उस रिलेशनशिप से भागने की कोशिश करेगा, बिकॉज दिस इज द एयर साइन एनर्जी। तो ये इंसान बिल्कुल टोटली अपोजिट कर रहा है जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं, ये करते थे, तो इस इंसान ने टोटली अपोजिट किया, और इन द फ्यूचर ये इंसान टोटली अपोजिट करेगा, या इस वक्त आप कन्फ्यूज हो इस इंसान को लेके, क्योंकि जो आपको लग रहा है वो इंसान ये दिखा नहीं रहा। मुझे लगता है ये इंसान आपको फ्रेंड जोन में डालेगा, उसके बाद रिलेशनशिप आगे जाएगा, या पहले आपके साथ फ्रेंडशिप करेगा। ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड हो, कुछ लोगों के लिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको डबल मीनिंग से ये तरीके से बात करेगा, आपको हिंट देने की कोशिश कर रहा है, शायद आपको समझ ना आए, तो कोई और फ्रेंड आके बीच में आप दोनों को इस मसले को हल भी करवा सकता है। शायद इस इंसान के फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इस रियूनियन में, फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इंसान किसी न किसी की हेल्प लेगा, चोरी हेल्प, सीक्रेट हेल्प, या सीक्रेटली ये इंसान आपको अपने फ्रेंड्स के अकाउंट से, अपने फ्रेंड्स के अकाउंट से स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है। अनदर क्रोज, मतलब इस इंसान को दिमाग में बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, फ्रेंड्स की वजह से भी हो सकता है, या हो सकता है पास्ट में इस इंसान को किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, तो ये इंसान किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दिस पर्सन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये जो भी इंसान है, लड़की या लड़का, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, या वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन होगी, जरूर नहीं है कि देयर इज समवन कमिंग इनटू योर लाइफ, इस इंसान को कोलैबोरेशन करनी है आपके साथ, ये टोटली अपोजिट जेंडर होगा, लड़की या लड़का, अगर आप लड़की हैं तो लड़का, लड़का है तो लड़की, आपकी कोलैबोरेशन होगी वर्क से रिलेटेड, ठीक है, कोई साइन या कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, या आप दोनों के दरमियान में फाइनेंशियली कुछ ना कुछ ऐसा एग्रीमेंट होगा। लेकिन ये बहुत एग्जॉस्टिंग आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आपको इस इंसान की समझ नहीं आएगी, ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे ज़्यादा काम करवाए और फाइनेंशियली इतना आपको देना, तो ये बी केयरफुल। आप कहीं पे इनवाइटेड भी होंगे, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, मे बी इट्स अ ओल्ड फ्रेंड कमिंग, मतलब शायद कोई आपका पुराना दोस्त आ रहा है, ये भी हो सकता है, क्योंकि वी आर सीइंग हु इज़ कमिंग, तो ये कोई ऐसा पुराना दोस्त है जिसने आप पे बातें की हैं, जिसने आपको सर दर्द दिया है, टेंशन दी है, और वो दोबारा आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी अब खुश हो उनके बगैर, या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फ्रेंड है, दो तीन लोग हो सकते हैं, या ग्रुप ऑफ पीपल या कम्युनिटी, ऐसे लोग जिनको आपने कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, और वो जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सीक्रेटली शायद आप पे नज़र रखे हुए हैं, या आपके करीब आना चाहते हैं, आपके दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन बेसिकली वो आपको कॉपी करना चाहते हैं, या जानना चाहते हैं आपका सीक्रेट प्लान क्या है, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं, या आपके पास ऐसा क्या सीक्रेट है कि आप सक्सेसफुल हो, आप खुश हो, या कौन है आपकी लाइफ में, किसके साथ आपकी दोस्ती है, किसके साथ आपका रिलेशनशिप है, मतलब इस तरह के लोग, ठीक है, जो डेफिनेटली बैक स्टैबर हैं, किसी वक्त भी आपके छुरा घूम सकते हैं आपकी उस पर, दोस्त बन के। ओके, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये जो भी इंसान है इट्स अ वेरी नेगेटिव पर्सन, चाहे ये रोमांटिकली आ रहा है, या फ्रेंड वाइज आ रहा है, ये जो आपका फ्रेंड है कोई, या आपका फ्रेंड बनना चाहता है ये इंसान, या आपके करीब आना चाहता है, इस इंसान की लाइफ में अपनी नेगेटिविटी बहुत है, या अपने माइंड में बहुत नेगेटिविटी है, जो आपके दिमाग में भी ये नेगेटिविटी भर सकता है इंसान। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस इंसान को कट ऑफ कर दिया है, या आपको ऑलरेडी फील हो रही है नेगेटिव वाइब इस इंसान से, सो ये वो इंसान है। बी केयरफुल विद द एस ऑफ सोर्ड्स, आपने खुद अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है कि क्या आपको इस इंसान के साथ वर्क करना है, बात करनी है, या रिलेशनशिप में जाना है, फ्रेंडशिप करनी है, या कोलैबोरेशन करनी है या नहीं। मुझे लगता है ये इंसान पहले आपको वर्क से रिलेटेड जानने की कोशिश भी कर सकता है, आजमा सकता है, मतलब आपके साथ वर्क करना चाहेगा, देखने के लिए कि आप किस तरह के पर्सन हो, शायद ये भी हो सकता है। यहाँ पे डिसेप्शन भी है, तो हो सकता है ये इंसान काफी डिसेप्टिव था पास्ट में, अब ये इंसान आपके साथ रिकनेक्शन करना चाहता है, रिकंसिलिएशन या फ्रेंडशिप, क्योंकि आप इस इंसान को चेज नहीं कर रहे, यही सबसे बड़ी चीज़ इस इंसान को जो है ना हर्ट कर रही है,
इस इंसान की ईगो को ट्रिगर कर रही है कि आप क्यों नहीं आ रहे, आप उनके पीछे क्यों नहीं भाग रहे, ये क्यों छोड़ के चले गए हो, ये भी हो सकता है. या डिस्पेयर, टॉयल एंड लेबर. कुछ लोगों के लिए इंसान आपके साथ वर्क करना चाहता है, ये भी हो सकता है. ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, ये आपका फ्रेंड है, ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी है, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन पीछे छुरा घोंपेगा आपको. बी केयरफुल, क्योंकि ये लोग आपको डेफिनेटली देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में इतनी स्ट्रगल है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप इतने लकी कैसे हो, आप इतने खुश क्यों हो, आपकी लाइफ में यू नो सक्सेस क्यों है, या आपके लाइफ का सीक्रेट क्या है. हो सकता है ये जो भी इंसान है इस वक्त काफ़ी बिजी है, ठीक है, ये भी हो सकता है. और जब वो उनके पास रेस्टिंग का टाइम भी नहीं है, वो इतना बिजी है तो वो आपके बारे में सोचते हैं. या मेन मेल, ये इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेन मेल है तो डेफिनेटली ये वो इंसान है जो इस वक्त आपकी लाइफ में मेन मेल है, मेन एनर्जी है, जिस पे आपका पूरा फोकस है. या ये इंसान आपकी लाइफ में मेन मेल बनना चाहता है. अगर आपकी लाइफ में और ऑप्शंस हैं तो ये इंसान चाहता है कि आप हर किसी को ड्रॉप करो उनके लिए. या इम्प्रेसमेंट, तो ये डेफिनेटली इंसान स्टक है, आपको भूल नहीं पा रहे, आपसे मूव ऑन नहीं पा रहे, आपसे बात नहीं कर पा रहा, ये इंसान डेफिनेटली स्टक है. ओवर थिंकिंग. फैमिली रूम, मुझे लगता है इस इंसान ने आपको ऑलरेडी अपनी फैमिली के बारे में बताया है, या ये इंसान आपको कहीं फैमिली की हेल्प लेगा, या कहीं पर इन्वाइट करेगा, या मिलना चाहता है, या फैमिली या फ्रेंड की हेल्प लेगा. कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली है जो आपको सैबोटेज करना चाहती है, या इस इंसान की फैमिली इस इंसान को सैबोटेज कर रही है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इस वक्त इस इंसान के सर पे हो सकती हैं, फैमिली की या दूसरी चीज़ों की. कुछ लोगों के लिए इंसान आपको गिफ्ट देना चाहता है एज अ सॉरी, मतलब इस इंसान की लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग है, क्योंकि उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता. ये जो भी इंसान है, इस इंसान को बोलना नहीं आता, एक्सप्रेस टू बी ऑनेस्ट नहीं करना आता, चाहे ये मैस्कुलन है या फेमिनिन है, क्योंकि है लेकिन यहाँ पे मैस्कुलन है ये जो भी इंसान है. सो मे बी दे हैव अ गिफ्ट फॉर यू, मे बी वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको कहीं इन्वाइट करना चाहते हैं, आपके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है उस इंसान ने, और वो आपको देना चाहते हैं, कहीं मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई मौका भी होना चाहिए. कुछ लोगों के लिए आपको मैंने जैसे कहा, कोई आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है, आपके साथ वर्क करना चाहता है. हो सकता है वो आपको इतना पे ना करें लेकिन उसके बदले में कोई गिफ्ट दे दें आपको, या वो अपना प्रोडक्ट आपको आपसे सेल करवाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं. कोई फैमिली मीटिंग भी हो सकती है आपकी किसी के साथ, ठीक है, गेट टुगेदर भी हो सकता है, आपका इन्वाइटेड भी हो सकते हैं. ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है आपको, या उनको, जैसे मैंने आपसे कहा कुछ लोगों के लिए आपके पास गिफ्ट है, तो ये आपकी फैमिली या फ्रेंड्स या जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो डिस्पेयर हैं, उनको लगता है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें क्यों कैसे आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, आपको ये गिफ्ट क्यों मिला है, दे आर जेलस. सो बी केयरफुल. सो ये आपकी रीडिंग है, लाइक एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. बाय गाइज़.